दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। बंधन बैंक के अंदर किस प्रकार से आप नए घर बैठे आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे तो बंधन बैंक आपको सेविंग अकाउंट कई प्रकार के प्रोवाइड कराती है। बंधन बैंक आपको एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट प्रोवाइड कराती है। इस अकाउंट के अंदर आपको एक रुपया मेंटेन करना नहीं पड़ता है और एज ए जीरो बैलेंस अकाउंट हमेशा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर बंधन बैंक आपको एक दूसरा बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराती है जिसे हम नियो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसे भी दोस्तों जरिए वीडियो KYC के आप ऑनलाइन घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। ना तो यहाँ पर इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो ब्रांच में लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और ना तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार के फॉर्म आपसे फिल कराए जाएंगे। आप यहाँ पर इन सब चीज़ों से बच जाओगे अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं। साथ ही बंधन बैंक के अंदर जो आज की इस वीडियो में हम आपको अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस दिखाने वाले हैं, यह आपको एक डिजिटल अकाउंट मिलता है। जरिए वीडियो KYC के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद में दोस्तों इसकी वेलकम किट आपके घर पर सेंड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक मिल जाएगा और इसके डेबिट कार्ड के थ्रू आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस को भी आप यूज़ कर पाओगे। साथ ही इसके साथ आप यहाँ पर इसकी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI बैंकिंग को भी चालू कर पाओगे। अगर दोस्तों आप एज ए प्राइमरी बैंक अकाउंट को लेकर चलना चाहते हैं, हमेशा के लिए उस बैंक अकाउंट को आप यूज़ करना चाहते हैं, आपको अच्छी खासी यहाँ पर लिमिट मिल जाए और अच्छे खासे आपको ऑफर वगैरह देखने को मिल जाए, तो बंधन बैंक के अंदर अपना एक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका लाइव प्रोसेस देखने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और अगर आपको वीडियो के अंदर जानकारी समझ आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर हम इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों अगर आप भी बंधन बैंक के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट को ओपन करने के लिए आप इस पेज पर विजिट करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक पर्सनल का ऑप्शन मिलेगा, पर्सनल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो बंधन बैंक के अंदर आपको जितने भी बैंक अकाउंट मिलेंगे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहीं पर आपको एक सेविंग अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो बंधन बैंक के अंदर जितने भी आपको सेविंग अकाउंट मिलेंगे वो सारे बैंक अकाउंट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके बाद में देख सकते हैं पेज को, जैसे ऊपर को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बंधन बैंक की तरफ से आपको एक नियो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। इस अकाउंट को वीडियो KYC के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पर वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपका ये डिजिटल तरीके से अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर यहीं पर आप बंधन बैंक के अंदर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे दोस्तों नीचे आप पेज को ऊपर को स्क्रॉल डाउन करेंगे, देख सकते हैं आपको बहुत सारे अकाउंट मिलेंगे। यहीं पर बी वॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बंधन बैंक की तरफ से भी एक आपको बेसिक बैंक डिपॉजिट अकाउंट प्रोवाइड कराया जाता है। आप देख सकते हैं इसे दोस्तों आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। यहाँ पर आपको फ्री ATM डेबिट कार्ड मिलेगा, बैंक पासबुक भी आपको मिल जाएगी। तो आप चाहो यहाँ पर दोस्तों अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जिनका अकाउंट ओपन करने वाले हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं नियो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करेंगे। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं ओपन एंड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट को ओपन करना है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर ओपन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे एक ईमेल ID मांगी जाएगी, तो यहाँ पर जो भी आप अपने बैंक अकाउंट से ईमेल ID को लिंक करना चाहते हैं वो ईमेल ID आप यहाँ पर टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 7 स्टेप के अंदर हमारा ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इस बॉक्स में अपना पैन नंबर टाइप करेंगे, वैलिडेट पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसी के बाद में इस वाले बॉक्स में अपने आधार नंबर को टाइप करेंगे, जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ पर वैलिडेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जहाँ पर भैया बताया जाएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो पैन कार्ड और आधार कार्ड से मिसमैच नहीं होनी चाहिए, यानी कि वही सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके बाद में कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के मुताबिक जैसे आपका फ़ोटो, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, यह यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे।
इस कॉलम में माता जी का नाम टाइप करेंगे, इस कॉलम में पिताजी का नाम टाइप करेंगे, इस कॉलम में मदर्स मैदर नेम को टाइप करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप कितना पढ़े हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद में कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। फिजिकल स्टेटस को सेलेक्ट करेंगे, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर टाइप ऑफ रेजिडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने रेजिडेंट को सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने धर्म को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ऊपर को पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपका जो कम्युनिकेशन है एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड के सिवाय कोई दूसरा भी एड्रेस है तो आप यहाँ पर अदर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके वो दूसरे वाले एड्रेस को फिल कर सकते हैं। इसके बाद में ब्रांच नेम का आ जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे किस ब्रांच के अंदर आपको बैंक अकाउंट को ओपन करना है, अपनी ब्रांच का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद में प्रोसीड टू इनकम डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्या काम करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर एक साल में कितने पैसे कमा लेते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पीपी डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगी तो इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों बताया जा रहा है कि आप इंडिया के अंदर ही टैक्स पे करते हैं, इंडिया के बाहर तो टैक्स पे नहीं करते हैं तो इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है, चेक द बॉक्स इफ़ यू वांट ए फिजिकल डेबिट कार्ड, यानी कि जो फिजिकल डेबिट कार्ड पर नाम प्रिंट होकर आएगा वो नाम यहाँ पर मिल जाएगा। आप चाहो तो इसे नाम को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद में प्रोसीड टू नॉमिनी डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने अकाउंट के अंदर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसके ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके नॉमिनी और अकाउंट होल्डर के रिलेशन को सिलेक्ट करेंगे। नॉमिनी का फुल नेम टाइप करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। अगर एक अकाउंट होल्डर का और नॉमिनी का रिलेशन सेम है तो इस वाले एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पर क्लिक करके एड्रेस को फिल करेंगे। और इसके बाद में प्रोसीड टू रिव्यू पेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहीं पर अगर आप नॉमिनी का नाम ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अभी तक दोस्तों जो हमने अकाउंट ओपन करने के लिए जो भी डिटेल्स को फिल करा है वो सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक बार अपनी डिटेल्स को आप देख लेंगे, चेकआउट करेंगे। अगर इस डिटेल्स में कुछ भी गलत है तो यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके सही कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में बंधन बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए जैसा हमने कि आपको बताया है कि आपको वीडियो केवाईसी भी करना होगा तो यहाँ पर भी केवाईसी का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। पेज को जैसे आप ऊपर को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपने अकाउंट ओपन कर लिया, डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा, कि आपको चेकबुक चाहिए। तो अगर चेकबुक चाहिए तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो चेकबुक भी आपके घर पर सेंड कर दिया जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर वीडियो केवाईसी के लिए डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगी। देन इसके बाद में प्रोसीड टू अकाउंट फंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए भाई कुछ ना कुछ आपको बंधन बैंक के अंदर आपको फंड ऐड करना पड़ता है। जैसे ICICI बैंक के अंदर भी फंड आपको ऐड करना पड़ता है तो यहाँ पर आप कम से कम 5,000 रुपये ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर फंड ऐड कर लीजिए, कोई भी दोस्तों दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि 5,000 रुपये अकाउंट के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद में इस अकाउंट को आप हमेशा के लिए बिल्कुल फुल के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसीड टू डिपॉजिट 5,000 मिल जाएगा। अगर आपको डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। पेमेंट किस प्रकार से आप डिपॉजिट करेंगे, कार्ड के थ्रू करेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे, UPI के थ्रू करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट को ऐड कर लेंगे। देन इसके बाद में दोस्तों बंधन बैंक के अंदर जो आपका सक्सेसफुल एक सेविंग अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आप देखिए अभी यहाँ पर दोस्तों अपने पूरा प्रोसेस देख लिया कि बंधन बैंक के अंदर किस प्रकार से हमें घर बैठे एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी इस अकाउंट के अंदर दोस्तों आपको 5,000 रुपये जरूर डिपॉजिट करने होंगे, लेकिन इस अकाउंट को आप हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। इसके अंदर आपको लिमिट वगैरह अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। यहीं पर अगर आप बंधन बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, तभी आपका ये वाला अकाउंट ओपन होगा। और एक चीज़ और हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी बैंक के अंदर आपका पहले से बेसिक बैंक डिपॉजिट अकाउंट अगर ओपन होगा तो दूसरी बैंक के अंदर आप ये वाला अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। ऑल बैंक के अंदर आप एक ही अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानकारी समझ आ गई तो जोर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मन में भी आपके कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।